उज्जैन जिले के नागदा में 31 अगस्त को अभिभाषक संघ के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें लगभग 135 अभिभाषक अपने मत का उपयोग करेंगे और 2 वर्ष के लिए अपना अध्यक्ष चुनेंगे, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए देवेंद्र रघुवंशी और मनोज रघुवंशी आमने सामने मैदान में उतरे हैं, जिसकी किस्मत का फैसला 31 तारीख को होगा। बहरहाल चुनाव को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई है, जो आने वाली 31 को अपनी किस्मत आजमाएंगे, जिनका फैसला शाम 11 से 3 के बीच में होगा। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। वकीलों के लिए सर यहाँ पे बैठने की न उठने में कुछ भी व्यवस्था, मतलब ठीक ढंग से व्यवस्था नहीं है, उसके लिए आपका क्या कहना सर? ये जिनमें 50 जन थे, सेब बनवाने थे, शासन से जो भी अपने स्तर से प्रयास करते हैं, यहाँ के विधायक, अपने विधायक, सांसद, जिसे आने विधि मंत्रालय से, इसे हाईकोर्ट से भी इसे जो 50 जन हुआ और उम्मीद है कि बहुत अतिशित ये व्यवस्था हो। वकीलों की मूलभूत जो अभी वर्तमान में आप लोग भी यहाँ पे इंटर हुए हैं कोर्ट परिसर में, न्यायालय परिसर में जो आप उपस्थित हुए हैं, तो आपका नेता होगा कि मेरे जो वरिष्ठ अभिभाषक हैं, कनिष्ठ अभिभाषक हैं, जो संगी साथी लोग हैं, या मैं स्वयं भी हूँ, सबसे मूलभूत जो समस्या है वर्तमान में हम लोगों को बैठने के शेड की व्यवस्था की वो नहीं है। तो मेरा प्रथम प्रयास तो ये रहेगा कि इन शेडों का निर्माण करवाया जाए और साथ में जो मेरी महिला साथीगण अभिभाषक हैं उनके लिए कोई शौचालय की, स्थायी शौचालय की व्यवस्था नहीं है। पूर्व के जो अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने अपने कार्य को बाकायदा बखूबी से निभाया है, उन लोगों का भी मैं सहयोग लेते हुए अच्छे और कार्य करने के प्रयास करूँगा। साथ ही यहाँ पे आपने देखा होगा कि अंदर जो वाहनों के खड़े रहने की जो समस्या है वो समस्या भी बहुत बड़ी समस्या है, उस समस्या का भी समाधान करने का पूरा प्रयास एक बार हमारा पुनः रहेगा। उसके अतिरिक्त आपने एक चीज और देखी होगी यहाँ पे कि जो बाहर से व्यक्ति आ रहे हैं पक्षकार के रूप में यहाँ जो उपस्थित हो रहे हैं, पूर्व में जो हमारे अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने 2 वाटर कूलर भी लगवाए हैं यहाँ पे, फिर भी कहीं ना कहीं पानी की एक समस्या भी, मूलभूत समस्या है हम लोगों के बीच में, समस्याओं का भी समाधान करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद में जो हमारा कनिष्ठ अभिभाषक है उनकी कुछ छोटी मोटी जो समस्याएं हैं, न्यायालयीन कार्रवाइयों में तो कोई समस्या नहीं आती उनको, पर तहसील न्यायालयों में और SDM कार्यालय में जब कार्य करने के लिए जाते हैं तो उनमें बहुत सी समस्याएं सामने आती हैं, तो उन समस्याओं का निराकरण करने की पूरी कोशिश करूँगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। उज्जैन जिले के